बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। हम छोटी क्लासेस में से ही बोहर के मॉडल के बारे में पढ़ना शुरू कर देते हैं। आपको पता है 1900 की जो सबसे पहली प्रायोरिटी थी, उस प्रायोरिटी में ये था कि एटम खुद किस शक्लो सूरत का है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है। इन चीज़ों को जानने के लिए मुख्तलिफ किस्म की एक्सपेरिमेंट्स वगैरह होते रहे। फिर उसकी बेस पे बहुत सारे लोगों ने अपने अपने मॉडल एक्सप्लेन किए। उसमें जो पहला मॉडल आया वो आपको पता है रदरफोर्ड का मॉडल था। जिसको हम कहते हैं कि उसने प्लेनेटरी मॉडल, उसने कहा कि जिस तरह से हमारा प्लेनेटरी सिस्टम है, सेम टू सेम वही मॉडल अल्लाह ताला ने शायद एटम के अंदर भी इस्तेमाल किया है। वो फेल एक छोटी सी गलती से हो गया। फेल कैसे हुआ? उसने कहा कि सेंटर में इस तरह से न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर इस तरह से शेल है। अब देखिए इस शेल में जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, जब ये मूव कर रहा है, आपको पता है ये सर्कुलर मोशन है। सर्कुलर मोशन में जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है, उसको जो फोर्स लगती है उसको हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स जब इसके ऊपर लगती है तो हर पॉइंट के ऊपर, इस तरह मैं छोटे छोटे सर्कल के ऊपर पॉइंट्स बनाता हूँ, इन पॉइंट्स के ऊपर इसकी जो डायरेक्शन है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर इसकी डायरेक्शन और है, यहाँ पर इसकी डायरेक्शन और हो जाएगी, यहाँ पर हो सकता है, यहाँ पर इसकी डायरेक्शन इस तरह से हो, यहाँ पर इस तरह से, हर पॉइंट के ऊपर उसकी डायरेक्शन चेंज होती है। डायरेक्शन चेंज होती है तो इसका मतलब है उसकी वेलोसिटी भी चेंज हो रही है। वेलोसिटी चेंज हो रही है तो इसका मतलब है उसकी उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस है। अब आपको पता है जब इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट या डिसेलरेट होगा तो उसे एनर्जी तो खर्च करनी पड़ेगी। तो बोहर का जो मॉडल था, जो रदरफोर्ड का सॉरी मॉडल है, वो ये कि इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहा है ना, तो एनर्जी उसकी कम होती जाएगी, जिससे वो डिसेलरेट होता जाएगा। एनर्जी है, इस वजह से जो क्लासिकली कॉन्सेप्ट था कि उसका शेल कम होते 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 इस तरह से वो न्यूक्लियस के अंदर गिर जाने के चांसेस थे। ये जो कॉन्सेप्ट था, ये बोहर के जो उस्ताद जी थे रदरफोर्ड, उनका कॉन्सेप्ट था। बोहर ने अपने ही टीचर का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा यूज किया और उसने एक ऐसी कन्वेंशन यूज की। उसने कहा कि रदरफोर्ड का ही मॉडल सक्सेसफुल हो सकता है अगर हम एक चीज सिर्फ उसमें इंट्रोड्यूस करा दें कि इलेक्ट्रॉन वहां पर ना एनर्जी, वहां जब शेल में मूव कर रहा है एनर्जी रिलीज नहीं करेगा। यानी इस सर्कुलर मोशन भी अगर वो कर रहा है तो वो डिसेलरेट नहीं हो रहा, एनर्जी रिलीज नहीं कर रहा। यही कॉन्सेप्ट जो था बोहर आगे लेकर आया और 1913 में अपना कॉन्सेप्ट दिया, जिसको बोहर्स मॉडल कहते हैं। एक्चुअली ये रदरफोर्ड की ही मॉडल है और उसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन। अब जो बोहर था, इसने क्या किया, इसने क्लासिकल कॉन्सेप्ट जिसको हम क्लासिकल मैकेनिक्स कहते हैं, उसमें थोड़ा सा जो उस वक्त एक नई थ्योरी आई थी प्लैंक्स की तरफ से, उसने थोड़ा सा मॉडर्न फिजिक्स का कॉन्सेप्ट भी इस्तेमाल किया और इन दोनों को मिक्स करके उसने एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करा दिया, सेमी क्लासिकल
सेमी मॉडर्न, इस कॉन्सेप्ट में उसने सबसे पहले आकर उसी चीज के लिए एक सेंटेंस लिख दिया। क्या सेंटेंस लिखा? जिसको हम पास्टुलेट नंबर वन कहते हैं कि जब तक इलेक्ट्रॉन किसी एक शेल में मौजूद है, सपोज ये एक इलेक्ट्रॉन का शेल है, जब तक इलेक्ट्रॉन इसी शेल में रहेगा वो चाहे जितना भी घूमे ना, वो एक्सेलरेट डिसेलरेट, उसने कहा ये कॉन्सेप्ट खत्म है। एक शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन ना एनर्जी गेन करेगा ना लूज करेगा। इसकी इस पास्टुलेट की वजह से उसने ये जो बोहर का रदरफोर्ड का फेलियर था, उस फेलियर को अपने पहले पास्टुलेट के पीछे छुपा दिया। अब इलेक्ट्रॉन जब तक इस शेल में मौजूद है वो घूमेगा भी और एनर्जी भी रिलीज नहीं करेगा। इसका मतलब है जो रदरफोर्ड का फेलियर था उसने अपने आप को इस तरह से बचाया। फिर दूसरा उसने एक चीज इंट्रोड्यूस कराई, उसने कहा अगर इलेक्ट्रॉन का मूड हो और वो नीचे वाली शेल में से जंप करके वो अपने से ऊपर वाले शेल में जाना चाहता है, यहां से वहां, अगर इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करके यहां जाना चाहता है, चलो जी इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करके अगर ऊपर आया यहां पर, तो इलेक्ट्रॉन वहां से जंप करके यहां पर आ गया, इलेक्ट्रॉन जैसे ही ऊपर वाले शेल में आएगा वो एनर्जी गेन करेगा। अगर इलेक्ट्रॉन को का मूड हो वापस जाने का, वो यहां से वापस नीचे आएगा। इस केस में इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी लूज करेगा, गेन करेगा या लूज करेगा, दोनों केसेस में जो भी वो ऑप्शन अवेल करता है, ये सेकंड पास करेगा। ये इन दो, फॉर एग्जांपल इस शेल, ये पहले शेल में एनर्जी ई वन है, दूसरे में आया तो ई टू हो गई, जो भी उसने एनर्जी गेन या लूज की वो इन दोनों के डिफरेंस के बराबर है। अब जो तीसरा कॉन्सेप्ट उसने दिया वो ये दिया कि ये इलेक्ट्रॉन सपोज यहां पर घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन शेल में घूम रहा है, अच्छा जब इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो इसका मोमेंटम जो है, अब आपको पता है जब फॉर एग्जांपल इसका जो मोमेंटम होगा वो लीनियर मोमेंटम नहीं, वो फिर एंगुलर मोमेंटम होता है। और वो एंगुलर मोमेंटम जिसको हम एल के साथ लिखेंगे वो कितना होगा? उसने कहा वो एन एच कट के बराबर होगा। ये एन एच कट क्या होता है? ये बाद में आकर डी ब्रॉय एक साइंटिस्ट था, उसने इस चीज को एक्सप्लेन किया, वो हम देखेंगे कि वो कैसे है।